ब्रेक के बाद स्वागत है। सोनभद्र में भाजपाइयों ने विपक्ष द्वारा संसद की कार्यवाही को बाधित किए जाने के विरोध में रॉबर्ट्सगंज के तहसील परिसर में एक दिवसीय अनशन का आयोजन किया गया। इस अनशन में रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट के सांसद छोटेलाल खरवार और सदर विधायक भूपेश चौबे भी मौजूद रहे। सांसद छोटेलाल खरवार ने बताया कि कांग्रेस के मुट्ठी भर संसद की कार्यवाही नहीं चलने दे रहे। संसद की कार्यवाही ठप करने के विरोध में हम सभी भाजपा के लोग अनशन पर बैठे हैं। उस संसद भवन को रोकने का काम विपक्ष पार्टी, खास तौर से कांग्रेस पार्टी, मुट्ठी भर जो 40 से 44 मात्र सांसद है वो पूर्ण बहुमत की सरकार को रोकने का काम कर रहा है। एक तरह से बंदी बना करके रखा हुआ है, कोई काम काज करने नहीं दे रहा है। इसलिए हम लोग देश के सभी माननीय सांसद अपने अपने क्षेत्र में संगठन के साथ उपवास पर बैठे हैं, लेकिन वह काम नहीं हो पा रहा है, विकास नहीं हो पा रहा है। बराबर विपक्ष जो है कि हंगामा करता है, माननीय प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, उठते हैं बोलने के लिए, तो उस समय जो है कि कागज फेंका जाता है। यह काम ठीक नहीं है। हम लोग कहते हैं कि आप चर्चा में आओ, चर्चा करने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन वो चर्चा भी नहीं करते हैं, काम नहीं होने देते हैं, काम बाधित है, इसलिए हम लोग उपवास पर बैठे।